और वो लोग बैठ के देख रहे हैं आप। कहाँ चली? मानसी चली पेरिस। हे ऑल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज जा रही हूँ मैं पेरिस और वहाँ जाके लाऊंगी मैं अपने मॉम डैड को। वो लोग फर्स्ट टाइम मुझे विजिट करने आ रहे हैं और वो लोग दिल्ली से निकले। उन लोग को पेरिस पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 8:30 हो जाएगा, तो हम लोग भी नेदरलैंड से निकल गए। हम लोग को पेरिस ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स लगेगा पहुँचने में। तो बीच में ये जो हमारा सेक्सी सा कार है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न। ये भी चाहता है कि हम लोग कंटिन्यू 4 आवर्स ड्राइव करें। ये चाहता है कि हम लोग बीच में थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा खाना पीना करें, फिर कंटिन्यू करें। जोक्स अपार्ट, टेस्ला में जब आप लोग ओरिजिन टू डेस्टिनेशन देते हो तो वो अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर सजेस्ट करता है कि आप लोग डायरेक्ट पहुँच पाओगे कि आप लोग को बीच में चार्जिंग की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग का टेस्ला ने हुक्म किया है कि तुम लोग पहले यहाँ पर चार्ज करो, फिर अपना ड्राइव कंटिन्यू करो। तो हुक्म क्या है तो मानना तो पड़ेगा ही। तो चलो पहले उसको थोड़ा खाना खिला देते हैं अपने टेस्ला का हुक्म, क्योंकि वो हमारे लिए इतना सारा सर्विस देता है, वो भी लग्जरी। तो हम लोग अभी जहाँ पे आए हैं इसको सुपर चार्जर बोलते हैं। तो ये ग्रीन हो गया, दैट मीन्स कि टेस्ला चार्ज हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है और ये दिखा रहा है कि 15 मिनट्स में हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब तक हमारा कार यहाँ पे चार्ज हो रहा है, हम लोग देखते हैं अपने कार में यूट्यूब, जिसमें मैं देखूंगी मेरे लास्ट ईयर का पेरिस ट्रिप। जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा, चार्ज होते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा खाना पीना करते हैं, फिर आप लोग के साथ अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब तक तो हमारा कार चार्ज हो ही गया होगा, तो हम लोग चार्ज से निकलते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना राइड। हमेशा कार ड्राइविंग के वक्त खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। वाह, वरना ये देखिए हम लोग छोटे नाटे लोगों के लिए। ओके, तो हम लोग ने कार्ड ले लिया, तो ये टोल गेट खुल गया। अब जहाँ पे हम लोग एग्जिट लेंगे तो उस हिसाब से हम लोग को फिर पैसा देना पड़ेगा। रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट, बस पूरे रोड में खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पेरिस पहुंच गए, तो अभी हम लोग एग्जिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे अभी पे करेंगे। कितना आया? 21 euros. 21 euros. Oh my god. पेरिस। पहुंच गए हम लोग पेरिस और आज तो राइड करते हैं। इतना मजा आया, टेस्ला में न्यू लॉन्च हुआ है कारों के सॉफ्टवेयर, हम लोग पूरा मस्ती करते करते आए हैं। और पेरिस में हम लोग रुकने वाले हैं 1 night, क्योंकि मेरे मॉम डैड का फ्लाइट आने वाला है रात के 8:30 बजे, तो हम लोग रात का ड्राइव अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए आज रात को आराम से रुकेंगे, फिर कल मॉर्निंग को हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे नीदरलैंड के लिए। और आईफिल टावर देखते हैं कि नहीं वो तो अभी पता नहीं है, क्योंकि मॉम डैड का क्या सिचुएशन है, वो लोग टायर्ड होंगे कि नहीं। अगर उन लोग में एनर्जी होगा तो रात को तो एक बार ज़रूर ड्राइव देके आएंगे, क्योंकि रात के टाइम बहुत ब्यूटीफुल लगता है आईफिल टावर। सो देखिए क्या करते हैं, और अब नेक्स्ट डायरेक्ट मिलते जाके जब मॉम डैड आते हैं, तब तक हम लोग थोड़ा अपने होटल में रेस्ट करते हैं। इसलिए हम लोगों ने 2 keys, क्योंकि हम लोगों ने 2 रूम बुक किया है। ओह कितना रेड रेड रूम है, एकदम पूरा रोमांटिक रूम का सेटअप, वाओ नाइस। रूम तो कितना छोटू सा है, को बस रात को सोना ही है, तो हम लोग को बाथरूम से कुछ करना नहीं है। रूम काफी अच्छा है, अब देखते हैं दूसरा रूम कैसा है। रूम चेक करने जा रही हूँ कैसा है। टन टन टन, ओके सेम ही है दोनों रूम, रूम तो दोनों सेम ही है। अब थोड़ा सा फ्रेशन अप होते फिर जाते डायरेक्ट मम्मी पापा से मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग शायद तक अभी और 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं उन लोगों को लाने के लिए, और यहाँ पे दिखा रहा है, मैं स्टेटस देख रही हूँ अभी, बस वो लोग 9 मिनट्स में पहुँचने वाले हैं। और हम लोग एकदम होटल के पास रुके हैं, एयरपोर्ट के पास होटल लिए हैं, ताकि हम लोग
तो अभी हम लोग बस से जा रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक बस है जो कि इतना ज़्यादा चीप था, दोनों का पड़ा है 4 यूरो। 4 यूरो में हम लोग टर्मिनल 1 में पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग को शटल लेकर टर्मिनल 2 में जाना है, राइट। टर्मिनल 2 में जाएंगे, फिर आते वक्त शायद तक हम लोग उबर कर लेंगे, क्योंकि उबर यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, क्योंकि लगेज वगैरह रहेगा। और अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और मैंने स्टेटस पे देख लिया उन लोग का फ्लाइट भी लैंड कर गया है, तो अभी बस हम लोग टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 में जाएंगे, उसके लिए हम लोग को शटल लेना पड़ेगा और फिर जाके मिलते हैं। शटल से हम लोग पहुंच गए अभी टर्मिनल 2 के अंदर, और अभी हम लोग को जाना है टर्मिनल ई पे, क्योंकि उन लोग का अराइवल टर्मिनल ई पे होगा। तो यहाँ से हम लोग को बेल्ट नंबर दिख रहा है, अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि उन लोग का किस में हो सकता है, ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि उन लोग का फोन अभी तक कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो हम लोग का उबर आ गया है, अभी हम लोग उबर से जा रहे हैं होटल। फाइनली मेरे पेरेंट्स पहुंच गए, मैं उन लोग को लेकर होटल रूम में आ गई हूँ। और मेरा एक हम लोग का एक रिचुअल है, जब भी मेरे पापा कहीं बाहर जाते थे, जब भी फ्लाइट से आते थे बचपन में, तो वो फ्लाइट का खाना हम लोग के लिए ज़रूर लाते थे। तो आज भी उन लोगों ने हम लोग के लिए लाया है, लाइक लंच वो लोग करके आए थे, इसलिए उन लोग को जो लंच मिला था वो सब हम लोग के लिए लेके आ गए। सो अभी हम लोग थोड़ा सा खाएंगे, फिर उन लोग को लेके थोड़ा सा आईफिल टावर दिखाने लेके जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि वो लोग जा सकते हैं, अब वो लोग जा सकते हैं तो हम लोग भी जा सकते हैं। तो चलो थोड़ा आईफिल टावर घूम के आते, देखते हैं रात के टाइम कैसा लगता है। ये सब है खाना, यहाँ पे है इंडियन फूड, स्मेल तो इतना अच्छा आ रहा है। यहाँ पे हम लोग का आईफिल टावर दिख रहा है। कोई इधर से भी आईफिल टावर दिख रहा है। सो फाइनली हम लोगों ने देख लिया है, अभी रात के एग्जैक्टली 12 बजे ये पूरा टावर ब्लिंक हो रहा है, और ये 5 मिनट्स तक ब्लिंक होगा। आई थिंक ये एवरी आवर ब्लिंक होता है। और हम लोग एकदम सामने तो नहीं गए, बट हम लोग रिवर के पास खड़े होके देख लिए, और यहाँ पे सब लोग हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, कल रात को आईफिल टावर देख के आके सब इतना टायर्ड हो गए थे कि सब सो गए, और मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, वो लोग पूरे दिन से ट्रैवलिंग कर रहे थे। मैंने कल एक मिस्टेक किया, कल जब वो लोग एयरपोर्ट से अराइवल के गेट के थ्रू घुस रहे थे, मैंने वीडियो ऑन करने की जगह ऑफ कर दिया, तो मैं उन लोग का रिएक्शन कैप्चर नहीं कर पाई, जिसके लिए मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं वो मोमेंट नहीं कैप्चर कर पाई। बट कोई नहीं, अभी वो लोग तो आएंगे फिर से मेरे पास, फिर मैं वीडियो लेने की, कहीं जाते तो हम लोग वीडियो करने की कोशिश करेंगे, बट मैंने वो पार्ट मिस कर दिया जिसके लिए मैं ये व्लॉग बना रही थी। जो भी हुआ सो हुआ, उसके लिए अभी सैड होकर फ़ायदा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग को देख रही थी, स्क्रॉल करते तो मैंने देखा वो तो है ही नहीं वो वीडियो, जब वो लोग आए मैंने एक्चुअली मैं मुझे लगा कि ऑन है, मैं वीडियो उन लोग की तरफ कर रही थी, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड थी, बट मैंने शायद तक प्ले बटन में क्लिक नहीं किया था। बट जो भी हो, अभी हम लोग उठ गए हैं, अभी जाके मम्मी पापा को देखते हैं वो लोग उठे कि नहीं, और उन लोग का तबीयत कैसा है, उस हिसाब से आज का डे प्लान करेंगे कि हम लोग बेल्जियम में रुकेंगे कि नहीं, कि डायरेक्ट घर चले जाएंगे। तो हाँ चलो देखते हैं वो लोग उठे कि नहीं। और मैंने कल मम्मी पापा के लिए अपने गार्डन से एक फ्लावर लाया था कि जब वो लोग आए कि मैं उन लोग को ये देख के रिसीव करूँगी, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में सब कुछ भूल गई। तो अभी मॉर्निंग में अभी मैं जाके उन लोग को ये फ्लावर दूंगी। कल के तुम अल्ले का अंशिलम भूल गए।
फ्रांस में आती हूँ, मैं एक बेकरी में जाती हूँ जिसका नाम है पॉल, उसका मैक्रोनी वगैरह इतना टेस्टी है। तो अभी मम्मी लोग आए तो मैं उन लोगों को भी लेके आ रही हूँ। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अभी हम लोग यहीं पे करेंगे। सो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, तुम्हें खाओ। और ये मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा इसी के लिए आती हूँ। इसमें शुरू करो माँ ब्रेकफास्ट। मैं मम्मी पापा को बोल रही हूँ कि यहाँ पे राइस नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ ब्रेड मिलता है। उन लोग का शक्ल देखो माँ की गोड़पाई करना तो पाव ही ज्यादा की खावे। सो हम लोगों ने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया। मैंने तो और भी पैकेट्स ले लिया क्योंकि ये सिर्फ फ्रांस में मिलता है, मुझे नीदरलैंड में मिलेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा अभी रोड पे खा खा के चली जाऊंगी। देखो दुर्गा पूजा में जो काशफूल होता है, ये मुझे मम्मी ने दिखाया है कि यहाँ पे भी मिलता है, सेम टू सेम डिफरेंट हो तो मैं दुर्गा पूजा का भाई मुझे यही से मिल रहा है। माँ कैमन लगछे नेदरलैंड? नेदरलैंड तो जाई कैमन लग। ओह सॉरी फ्रांस फ्रांस। हिंदी में बोलो। बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग फिर से चार्जिंग कर रहे हैं कार को, तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे ही धूप में थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। और ये औरत बीमार हो गई है कल से आके। बोला मेरी जमाई का गाड़ी। मेरी दामान का गाड़ी और मेरी लड़की का गाड़ी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन दोनों का फोटो शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे जाकर खड़ा होकर ऑफिस कर रहा है अभी भी। मैं कार पे बिठा के मम्मी पापा को मेरा वीडियो दिखा रही हूँ अगरतला का, और वो लोग बैठ के देख रहे हैं यहाँ पे। और ये तो हमेशा खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। हो गया हम लोग का लंच ब्रेक, और हम लोग को यहाँ पे मिल गया चिकन राइस और हम लोग का सलाद। ओह माय गॉड बुढ़ाटा, मैं फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ ना बुढ़ाटा। मैं इतने से टीवी में ही देख रहे थे। हेलो, तो फिर मैं आ गई हूँ पेरिस से रोटरडम। और एक्चुअली कल रात को ही हम लोग आ गए थे और हम लोग इतना टायर्ड हो गए, तो फिर और इतना अच्छा अच्छा मम्मी ने मेरे लिए खाना लाया सब खा के, फिर मतलब हम लोग बहुत बिजी हो गए तो मैं एंड नहीं कर पाई। और अभी जो बैग में इतना सारा सामान दिख रहा है वो सब सामान मेरे लिए इंडिया से आया है। यस, तो एक ट्रॉली तो मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए सामान आया है। मैंने कुछ कुछ चीज मंगवाया था बट मुझे नहीं पता था कि वो लोग मेरे लिए एक्स्ट्रा भी इतना सारा सामान लेके आएंगे। अगर पता होता तो शायद तक मैं ऑर्डर नहीं करती अपने लिए कुछ, बट करती हूँ तो थोड़ा करती हूँ। सो या मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब मेरे लिए इतना कुछ लेके आए, और यहाँ से ज्यादा हैप्पी हूँ जो वो लोग आए। तो मैं एक बार दिखाती हूँ एक झलक कि वो लोग मेरे लिए क्या क्या लेके आए। तो यहाँ पे जो सारे सामान है वो हाँ मेरे लिए आए हैं, मैंने अभी तक खोला नहीं है बहुत सब कुछ, मतलब पैकेट वाला चीज़ नहीं खोला है। ये तो सलवार सूट है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड दिस वन एक्चुअली मेरे मॉम का है जो कि मेरे मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया है, तो ये मैं शायद दुर्गा पूजा में पहनूंगी इसलिए मैंने मंगवाया है। और ये वाला मुझे दशहरे में पहनना है तो फिर मैंने मंगवाया है। एंड ये भी पुराना है, ये मेरा भाई के शादी में मैंने खरीदा था। एक लहंगा है जो कि मुझे डांडिया नाइट में पहनना है। यहाँ पे कुछ पूजा का सामान है क्योंकि मेरे घर में पूजा होने वाला है। एंड हाँ ये सब तो है। और खाने का तो इतना ढेर सारा सामान आया है कि मैं क्या बोला। मेरा फेवरेट इलिश मास भी मेरे लिए लेके आए। वो लोग एक्चुअली दिल्ली में थे, तो दिल्ली में उन लोगों ने किसी को बोला है कि आप लोग खरीद के फ्राई करके दे देना, हम लोग लेके आएंगे। तो हाँ वो लोग फ्राई करके लेके आ गए थे, ठीक था। हम लोगों ने कल रात को खाया, आज भी शायद खाएंगे। और मेरे लिए ये सब बैंगल्स आया, बट मैंने एक्चुअली मैं ये वाला बोला था मेरे लाने के लिए, एक हैंड मंगलसूत्र है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो हाँ ये मुझे मिल गया है। और ये जॉय के लिए आया है शेरवानी जो कि वो पूजा में पहनेगा। ये एक साड़ी मेरी मम्मी ने बोला है कि मेरे लिए खरीदा है, जो मैंने अभी खुद भी नहीं देखा है, तो देखती हूँ कैसा है। ओके, तो ये रेड कलर का कुछ है
कुछ तो बोल रही थी जामदानी या फिर कुछ है, मुझे साड़ी का एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है कौन सा साड़ी क्या है, बट ये पूरा रेड है। एक्चुअली मेरी मम्मी मेरे लिए ब्लाउज वगैरह सब लेके आई है, वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं मेरे लिए कुछ भी खरीदने के लिए। तो हाँ ये साड़ी है, और मैं एक फनी चीज़ दिखाती हूँ, ये दो डोरमेट भी लेके आई है मेरे लिए दिल्ली से। सोचो कि मेरी मम्मी बोली थी दिल्ली में कोई इंसान रोड पे कुछ तो बेच रहा था और वो बहुत सैड था, बोला था कुछ नहीं बिका है मैम हम लोग का, ले लो। तो मेरी मम्मी ने ये ले लिया 100 रुपीज में दो डोरमेट। और हाँ नीचे भी बहुत कुछ है, रोटी मेकर वगैरह बहुत कुछ लेके आए, सो आई एम वेरी हैप्पी। वो लोग आए और भी मेरे लिए इतना सारा सामान लेके, तो अभी तो मतलब कल वो लोग फिर चले जाएंगे मेरे भाई के पास, वो कनाडा में रहता है, तो कल जाके वो लोग 2 हफ्ते तक कनाडा में रुकने वाला है, फिर घूम के वो लोग मेरे पास आएंगे और फिर 1 मंथ रुकने वाले। तब तो लक्ष्मी पूजा दिन दिवाली बहुत कुछ होगा, तब मैं और धूमधड़ाका करूँगी उन लोग के साथ। आई विल ट्राई टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ताकि मैं बाद में कभी भी देख सकती हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ मेमोरी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।